दोस्तों, भारत की प्राइवेट कंपनियां पूरे विश्व को अपना लोहा मनवा रही है। इसी के तहत अब भारत की एक और प्राइवेट कंपनी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यानी कि ACE ने भारत और इजराइल द्वारा मिलकर विकसित किए गए बराक 8 मिसाइल मतलब कि MRSAM प्रोग्राम के लिए एक ऐसे इक्विपमेंट का विकास पूरा कर दिया और इसे सफलतापूर्वक सप्लाई भी किया, जो कि भारत के लिए इस प्रोग्राम में काफी महत्वपूर्ण है। बता दें कि जिस इक्विपमेंट की बात यहां पर की जा रही है, बिना उसके MRSAM को ऑपरेट ही नहीं किया जा सकता। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर भारत को UAE की तरफ से मिल रहे समर्थन की तरफ से है, जिसके तहत अब UAE ने भारत के एक बेहद ही महत्वपूर्ण योजना में अपना पूरा समर्थन दिया और ये भारतीय योजना के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि UAE की सहायता से हम इस योजना को हकीकत में काफी जल्दी बदल सकेंगे, जो न कि सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए काफी अच्छा होगा। तो चलिए इन दोनों ही खबरों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। दरअसल दोस्तों, हमारी पहली खबर एक भारतीय प्राइवेट कंपनी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसने हमारे MRSAM मिसाइलों के लिए एक खास मोबाइल क्रेन का विकास पूरा कर दिया है और DRDO की क्षमता से काफी प्रभावित भी है। दोस्तों, ये खास क्रेन असल में बराक 8 मिसाइलों के लॉन्चर के साथ इंटीग्रेट की जाएगी, जो कि मिसाइल के खत्म होने के बाद उन्हें फिर से लोड करने में मददगार साबित होगा। बता दें कि इस नए इक्विपमेंट ने अपने सभी जरूरी परीक्षण पूरे कर लिए हैं। वहीं पर DRDO ने हाल ही में एक फायरिंग टेस्ट के दौरान इस खास क्रेन को इस्तेमाल करके भी देखा, जिसमें इसने सफलतापूर्वक मिसाइलों को लोड किया और ये भारत द्वारा बनाया गया एक स्वदेशी इक्विपमेंट है, जिसे पहले विदेशों से इम्पोर्ट किया जाता था। यानी कि अब भारत स्पेशल मोबाइल क्रेन के क्षेत्र में भी तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। साथ ही इसकी परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर भारत ने एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी को इसके पायलट ऑर्डर भी दे दिए हैं, जो कि ये कंपनी काफी जल्दी मैन्युफैक्चर करके सप्लाई कर देगी, जिसके बाद भारतीय सेना इनका इस्तेमाल करना बड़े पैमाने पर शुरू कर सकती है। इसी के तहत इनकी सप्लाई टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो के अलावा भी कई बड़ी कंपनियों में की जाएगी, जो कि सिस्टम की मल्टी रोल कैपेबिलिटी को दर्शाता है। वहीं पर अगर बात की जाए MRSAM सिस्टम के बारे में, तो इसे बराक 8 मिसाइल के नाम से जाना जाता है, जिसे भारत और इजराइल ने संयुक्त रूप से विकसित किया है और आज के समय में ये भारतीय सेना और नौसेना के साथ सेवा में मौजूद है, जहां पर ये एयर डिफेंस के मामले में हमारे पास मौजूद कुछ सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम में से एक है। साथ ही बराक 8 मिसाइल 70 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी तरह के हवाई खतरे को तबाह करने की क्षमता रखती है। वहीं पर ऐसी एक मिसाइल की लंबाई लगभग 4500 mm और डायमीटर लगभग 225 mm का होता है। साथ ही बराक 8 मिसाइल अपने साथ दुश्मन को तबाह करने के लिए 225 किलोग्राम का एक भारी भरकम वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखती है, जो कि किसी भी तरह के टारगेट को तबाह करने के लिए काफी है। मौजूदा समय में भारतीय नौसेना इस सिस्टम का इस्तेमाल वर्टिकल लॉन्च के तौर पर भी करती है, जो कि हमारे युद्धपोत की सुरक्षा में एक फ्रंट लाइन रोल निभाते हैं। वहीं इसके अलावा एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट द्वारा विकसित की गई नई मोबाइल क्रेन हमारे बराक 8 मिसाइल्स की क्षमता को भी बढ़ाएगा। साथ ही अब हमें ऐसे सिस्टम विदेशों से भी इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जो कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए भी एक काफी बड़ी सफलता है, जिसके तहत हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे भारत की प्राइवेट कंपनियां डिफेंस सेक्टर में लगातार तेजी से आगे आ रही हैं, जो कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ और ये खबर UAE की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसके तहत UAE ने भारत के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार करते हुए ये बात साफ तौर पर कही है कि वे साल 2030 तक 450 GW की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन की इंस्टॉल कैपेसिटी को हासिल करने की भारतीय योजना का पूरा समर्थन करते हैं। इसके अलावा साल 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन हासिल करने की योजना में भी UAE भारत के साथ है। दरअसल 2030 तक भारत अपने रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी में काफी बड़ा अपग्रेड करना चाहता है, जिसके तहत हम साल 2030 तक यानी कि अगले 7 सालों में 450 GW की रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने की क्षमता हासिल करना चाहते हैं, जो कि क्रूड ऑयल और दूसरे ऊर्जा स्रोतों पर भारत की निर्भरता कम करेगा, जो न कि सिर्फ पर्यावरण के लिहाज से काफी अच्छा है, बल्कि इससे हर साल भारत द्वारा क्रूड ऑयल खरीदे जाने पर खर्च किए जाने वाले कई बिलियन डॉलर्स भी बच सकेंगे। दोस्तों, UAE और भारत के बीच में साझेदारी पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा मजबूत हुई है, खास करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद अगले 5 से 6 सालों में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर को पार कर जाएगा, जिसकी वजह से दोनों देश अपनी साझेदारी और कूटनीतिक एंगेजमेंट को बढ़ा रहे हैं, ताकि भविष्य के मुद्दों को सुलझाने में दोनों देशों का मत एक जैसा ही हो, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और UAE एक साथ मिलकर अपना प्रभाव बढ़ा सकेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं कि आपकी फेवरेट मुस्लिम कंट्रीज कौन सी है। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।